देखो बजट है क्या और बजट के बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, तो इस वीडियो पर बने रहो। बजट काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बजट से हम यह समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का आखिर फ्यूचर डायरेक्शन है क्या। वो अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आखिर बजट होता क्या है। देखो जैसे कि आपको एक फोन खरीदना है और आप दुकान पर जाते हैं और आप दुकान पर जाकर कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छा फोन दिखाओ, तो दुकानदार कहेगा कि फोन तो सभी अच्छे हैं लेकिन आपका बजट क्या है। देखो आपका बजट दो टाइप पर निर्भर करता है, एक तो आपकी इनकम कितनी है और दूसरा आपके खर्चे कितने हैं। अगर आप इन दोनों बातों को समझ गए तो आपके देश के बजट को भी आसानी से समझ लोगे। अब ये समझो जैसे आपका इनकम होता है वैसे ही देश के लिए एक रिवेन्यू होता है और रिवेन्यू दो तरीकों से आता है, पहला टैक्स से और दूसरा नॉन टैक्स। अब टैक्स के में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और कस्टम ड्यूटी से। और नॉन टैक्स में आते हैं जैसे सेंटर किसी को लोन देती है तो उस पर लगता है इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइंस और पेनल्टी बहुत से। और इन्हीं सभी बातों को मिलाकर देश का इनकम बनता है जिसे अभी की भाषा में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। देखो ये सोचने वाली बात है कि बजट्स डॉक्यूमेंट में आने वाला जो सरकार पर एक रुपया है वह किस माध्यम से आ रहा है और कहां से आ रहा है। चलो अब हम बजट के बारे में समझते हैं। एक सरप्लस बजट होता है जो इनकम एक्सपेंसेस से बड़ा होता है। और नंबर दो पर आता है बैलेंस्ड, इसमें हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर होता है। और नंबर तीन पर आता है डेफिसिट बजट, जिसमें हमारा एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होता है। अब ये समझो कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहां कहां बदलाव किया है। उन्होंने कहा है हमारे देश में चार जातियां हैं, पहला गरीब और दूसरा युवा और तीसरा महिला और चौथे नंबर पर हमारे अन्न देने वाले फार्मर्स। कुल मिलाकर 9 चर्चाओं पर बात हुई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं।